प्रदेश के कुल्लू जिला की निथर उप तहसील की सिली पंचायत के डगोन पंचायत में 8 घर जलकर राख हो गए। आग से झुलसकर एक गाय एक बछड़े की मौत हो गई। क्षेत्र में तैनात वन रक्षण की गाड़ी भी आग की चपेट में आने से पूरी तरह जल गई। आग 2 दिन से गांव के पास के जंगल में लगी थी, जो कि तेज हवा के कारण विकराल रूप लेते हुए गांव तक पहुंच गई और गांव के एक के बाद एक 8 घरों को आग ने अब पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया। गनीमत ये रही कि आग में कोई मानवीय क्षति नहीं पहुंची, लेकिन जिन परिवारों के घर जले हैं उनकी सर्द रातें बिना छत के कैसे गुजरेंगी, इसकी चिंता अब पीड़ितों को परेशान कर रही है। आग से करीबन 35 लाख रुपए के प्राथमिक नुकसान का अनुमान लगाया गया है। आग लगने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला गांव के लिए रवाना हुआ। राजस्व विभाग की टीम भी नुकसान का आंकलन करने में जुट गई। बीते 2 दिनों में डगोनी के जंगल में आग लगी हुई थी। आग गांव तक पहुंच गई और करीबन 12 बजे तेज हवाओं के चलते इस आग ने 8 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी विकराल थी कि कोई भी आग बुझाने के लिए जल रहे मकानों से ज्यादा नजदीक नहीं जा पाया। हालांकि ग्रामीणों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन लकड़ी से बने 8 मकानों को आग ने पल भर में राख के ढेर में तब्दील कर दिया। सूचना मिलते ही रामपुर से अग्निशमन दल भी मौके पर पहुंचा, लेकिन दल के पहुंचने से पहले ही मकान जलकर राख हो गए थे। आग लगने से पहले सभी लोग घरों से बाहर निकल चुके थे, इसीलिए मानवीय नुकसान होने से बच गया। आग से झुलसकर एक गाय और एक बछड़े की मौत हो गई, जबकि एक गाय झुलसने से जख्मी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार प्रदीप चंदेल मौके पर पहुंचे और नुकसान का आंकलन करने में राजस्व विभाग की टीम भी जुट गई। इस आगजनी में 35 लाख रुपए की प्रारंभिक नुकसान का आंकलन किया गया, जिसमें कुल 8 मकानों के 28 कमरे और 3 लोगों की गौशालाएं और घास जल गया। इस अग्निशमन में 17 परिवारों के सिर से छत छिन गई। केशव राम के 2 कमरे, हुक्कम राम का 1, वेली राम के 2 कमरे, भोला राम के 3, राजेंद्र पाल के 3, ब्रिजलाल के 2 कमरे, रामलाल का 1, निवेशन का 1, यशपाल के भी 2 कमरे राख हुए। हुक्कम राम, भोगा राम और बेली राम की गौशालाएं भी आग की भेंट चढ़ गई। उपायुक्त यूनिस खान ने बताया कि अग्निकांड के बाद राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। आनी की पूजा चौहान राहत राशि और आवश्यक सामग्री के साथ मौके पर पहुंच गई। उपायुक्त ने बताया कि पीड़ित परिवारों को प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं एसडीएम आनी पूजा चौहान ने बताया कि नुकसान का आंकलन करने के बाद पीड़ित परिवारों को जल्द फौरी राहत दी जाएगी।